सरदार सरोवर डैम का पानी लगातार बढ़ने के साथ ही बड़वानी के छोटा बड़दा गांव में नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर सहित अन्य महिलाएं कार्मिक हड़ताल पर बैठ गई हैं। हड़ताल कर बैठी महिलाओं की मांग है कि बाढ़ प्रभावितों को उचित मुआवजा और पुनर्वास दिया जाए। वहीं मेधा पाटकर का कहना है कि डूब प्रभावित गाँव में अभी भी कई लोग रह रहे हैं जिन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उनका कहना है कि भोपाल जाकर उन्होंने राज्य सरकार को पूरे हालातों की जानकारी दी है और सरकार ने दावा किया है कि पुनर्वास पूरा किया जाएगा, लेकिन उनकी मांग है कि 30-32 मुद्दों पर तत्काल निर्णय होना चाहिए और इन्हीं मुद्दों को लेकर इस हड़ताल की शुरुआत की गई है। ₹1996 से गांव डूबता आया है, पर गांव ने ही एक दूसरे को सहाया देकर इसको बचाया है, लेकिन ऐसे बड़दा में आज पानी जब घुस चुका है। कड़माड़ और खापर खेड़ा दो गांव जब टूट चुके हैं, जांगरवा अवलदा हो या और गांगली हो, वहां की बिजली काट कर गांव को अंधेरे ढकेलना पड़ा सरकार को, क्योंकि पानी गुजरात और दिल्ली की हठधर्मिता और ऊपर के बांधों से गेट खोलकर छोड़ना, ये दोनों से भरता जा रहा है। आज 133.600 की लेवल है, पर हम लोग देख रहे हैं कि और कुछ पानी चढ़ेगा अगर तो गांव के गांव मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जैसे एक केवल एक पुरातत्वीय धरोहर बन जाएंगे। सरदार सरोवर डैम का पानी लगातार बढ़ने के साथ ही बड़वानी के छोटा बड़दा गांव में नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर सहित अन्य महिलाएं कार्मिक हड़ताल पर बैठ गई हैं। हड़ताल कर बैठी महिलाओं की मांग है कि बाढ़ प्रभावितों को उचित मुआवजा और पुनर्वास दिया जाए। वहीं मेधा पाटकर का कहना है कि डूब प्रभावित गाँव में अभी भी कई लोग रह रहे हैं जिन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उनका कहना है कि भोपाल जाकर उन्होंने राज्य सरकार को पूरे हालातों की जानकारी दी है और सरकार ने दावा किया है कि पुनर्वास पूरा किया जाएगा, लेकिन उनकी मांग है कि 30-32 मुद्दों पर तत्काल निर्णय होना चाहिए और इन्हीं मुद्दों को लेकर इस हड़ताल की शुरुआत की गई है। ₹1996 से गांव डूबता आया है, पर गांव ने ही एक दूसरे को सहाया देकर इसको बचाया है, लेकिन ऐसे बड़दा में आज पानी जब घुस चुका है। कड़माड़ और खापर खेड़ा दो गांव जब टूट चुके हैं, जांगरवा अवलदा हो या और गांगली हो, वहां की बिजली काट कर गांव को अंधेरे ढकेलना पड़ा सरकार को, क्योंकि पानी गुजरात और दिल्ली की हठधर्मिता और ऊपर के बांधों से गेट खोलकर छोड़ना, ये दोनों से भरता जा रहा है। आज 133.600 की लेवल है, पर हम लोग देख रहे हैं कि और कुछ पानी चढ़ेगा अगर तो गांव के गांव मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जैसे एक केवल एक पुरातत्वीय धरोहर बन जाएंगे।